नरेश रावत ने आगे कहा कि इससे किसानों को अपने उत्तम किस्म के उपकरण और बीज उपलब्ध खरीदने में परेशानी नहीं होगी। पहले अक्सर किसानों को पुराने बीज ही बीजने पड़ते थे, लेकिन अब किसान नए बीज अपनी मर्जी से ले सकते हैं। नरेश रावत ने कहा कि चंबा जिला में 7162 लाभार्थी हैं, जिनके खाते में 126 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र सरकार ने डाली है। इससे किसानों को राहत देने की पहल की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री नरेश रावत ने कोटी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला का दौरा किया और इस दौरान 21,000 करोड़ से अधिक की राशि किसान सम्मान निधि योजना के तहत डाली गई है। इससे किसानों को राहत मिली है। चंबा जिला के 7162 किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हुए हैं। इन किसानों के खाते में 126 करोड़ से अधिक की राशि डाली गई है। अब किसानों को अपने सामान खरीदने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक रिज मैदान से किसानों के हित में जो किसान निधि जारी की गई है उसके लिए मैं धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हमारे जिला चंबा में निश्चित तौर पर हमारे किसानों और बागवानों के लिए इसका फायदा पहुँचा है। मैं देखता हूँ अक्सर कि हमारे गांवों में हमारे इलाकों में किसान जो वो पुराना बीज प्रयोग करते थे, लेकिन किसान निधि के माध्यम से जो हर वर्ष 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया जाता है और हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए निश्चित तौर पर इसका फायदा पहुंचा है। और आज किसान किसी के आगे किसी को कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। किसान को आज किसान जो है वो अपने पैसे से बीज खरीद रहा है, किसी साहूकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। पूर्व में मित्रों बहुत सारी सरकारें थी, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा कि किसानों के लिए ऐसी योजना बनाई जाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा और आज हमारे किसानों के खातों में 6,000 रुपये वार्षिक मिल रहा है। 21,000 करोड़ रुपये की किस्त जारी की गई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, किसानों और बागवानों के चेहरे पर लाली दी। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। हमारे पूरे चंबा में जो जिला चंबा है उसमें 7162 जो है वो लाभार्थी हैं और उनके खाते में 126 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो हमारे किसानों के खातों में पड़ी है। मित्रों ये कोई कम बात नहीं है। हमारा किसान, हमारा बागवान, मैं पूरे चंबा जिला की तरफ से, किसान मोर्चा की तरफ से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि किसानों और बागवानों के लिए आपने बहुत राहत दी है।